हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और आप देख रहे हैं हमारा सबसे दमदार कार्यक्रम षड्यंत्र। और षड्यंत्र लेकर मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। षड्यंत्र में हम आपको अपराध के उस ग्राफ से रूबरू कराएंगे जो लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। उन वारदातों के बारे में आपको बताएंगे जो आपके आसपास घटती हैं और जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। षड्यंत्र में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक युवती को नौकरी और शादी का झांसा दिया गया और झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। आपको बताएंगे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली उस वारदात के बारे में जिसे रोहतक में अंजाम दिया गया। इसी के साथ कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे ताकि आप किसी अनहोनी से पहले ही सतर्क रहें, ताकि आप किसी के झांसे में ना आ जाएं। अगर आपसे कोई कहे कि वो आपकी नौकरी लगवा सकता है, अगर आपसे कोई शादी करने के बड़े बड़े वादे करता है, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि वो आपको अपने झांसे में लेकर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है, हम नहीं कह रहे, ये बात वो युवती बता रही है जो इस झांसे में फंस चुकी है। वो युवती अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। अगर आप महिला हैं या आपके घर में महिलाएं हैं और आप या आपके घरों की महिलाएं नौकरी की तलाश में किसी पर भी भरोसा कर लेती हैं, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कर लेना आपको किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला ने बहादुरगढ़ पुलिस में शिकायत की और बताया कि कैसे वो एक शख्स के झांसे में आ गई और फिर उसके साथ क्या कुछ हुआ। पीड़ित महिला का कहना है कि वो कोलकाता के एक इंस्टीट्यूट में NIS की पढ़ाई करती थी। उसी दौरान उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले नवीन दलाल से उसकी मुलाकात हुई। पीड़िता ने बताया कि नवीन बहादुरगढ़ का रहने वाला है। कोलकाता में ही दोनों की बातचीत हुई और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। नवीन ने पीड़िता से शादी का वादा किया और उसके साथ कई बार यौन शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि करीब एक साल से भी ज्यादा तक आरोपी ने उसका शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। मैं MP की रहने वाली हूँ और मैं नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ कोलकाता में NIS करने गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरे साथ का एक साथी नवीन दलाल, जिसने मुझे शादी के नाम पे मेरा एक साल छह महीने तक यौन शोषण किया कि मैं आपसे शादी करूंगा, मेरे घर भी गया और सभी क्लास वालों को बोलता था कि हाँ मैं आपसे शादी करूंगा, तब से बोलता था कि मेरी वाइफ है, होने वाली वाइफ है, करके ऐसे मेरा यौन शोषण किया अभी तक। और पहले से वो खुद भी मैरिड था, उसके बाद उसका डिवोर्स हो गया, तो उन्होंने फिर डिवोर्स होने के बाद है तो मैंने जब उनका डिवोर्स का केस फिनिश हुआ तो मैंने उनको शादी के लिए बोला, तो उन्होंने मेरे बातों को सुना नहीं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी नवीन ने न सिर्फ उसे शादी का झांसा दिया बल्कि वो उसे नौकरी लगाने का वादा भी किया करता था। पीड़िता उसके शादी और उसके नौकरी के वादे के झांसे में आ गई। बहादुरगढ़ हरियाणा के निवासी जिनकी मुलाकात मेरी हुई और इन्होंने शादी का झांसा देके मेरे साथ एक साल तक यौन शोषण किया और नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपकी लाइफ बना दूंगा, इस तरह से करके मेरे साथ एक साल छह महीना तक यौन शोषण किया। अब ज्यादा समय बीतने लगा तो पीड़िता ने नवीन से शादी के लिए कहा, लेकिन वो उसे किसी न किसी बहाने टालने लगा था। पीड़िता ने कहा कि वो अपने परिवार से नवीन को मिलाना चाहती है, तो भी उसने मना कर दिया। जब पीड़िता ने कहा कि वो आरोपी के परिवार से बात करना चाहती है, तो आरोपी नवीन ने अपनी माँ और भाई से पीड़िता की बात कराई। पीड़िता का आरोप है कि नवीन की माँ ने उससे जान से मारने की धमकी दी और नवीन के भाई ने पीड़िता के ही चरित्र पर सवाल उठा दिए।
नवीन दलाल से मैंने बोला कि आप अपनी फैमिली वालों से बोलो शादी करने के लिए, तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों से बात नहीं की और सीधे अपनी माँ से बात कराई। नवीन दलाल की माँ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उनके बाद उनके भाई सचिन दलाल, उन्होंने भी मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, ये वो ऐसा, लोगों से भी मुझे जान से मारने की धमकी दिया। पीड़िता का ये भी कहना है कि आरोपी की शादी होने की सूचना मिलते ही वो बहादुरगढ़ आई थी, लेकिन ना तो आरोपी और ना ही उसके परिवार वालों से उसकी मुलाकात हो पाई, इसलिए बहादुरगढ़ महिला थाने में शिकायत दी है। बहादुरगढ़ पुलिस ने संबंध में 0 FIR दर्ज की है और मध्य प्रदेश पुलिस को मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने पुलिस से उचित न्याय की मांग की है। और मैं जब अभी तक 2 महीने से उनका वेट करा कि नहीं मुझसे बात करेंगे, मेरे से शादी करेंगे, शादी के लिए बोलेंगे, तो उन्होंने शादी नहीं किया और कल उन्होंने शादी कर ली। और जब मैं आज सुबह यहाँ पहुँची तो मुझे थाने के माध्यम से जानकारी मिली कि उन्होंने शादी कर ली है। और मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरे साथ इन्होंने जो ऐसी दरिंदगी हरकत की है, मैं बस शासन से, प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने नवीन दलाल नाम के शख्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक लड़की जो MP की रहने वाली है, उसने एक नवीन दलाल लड़के के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, जो बालाघाट की MP की रहने वाली है, जिसने बतलाया उसके साथ वहाँ पर रेप हुआ है, जो घटना आगे होने के कारण यहाँ पर दर्ज करके 0 और संबंधित थाना में भेज दी गई है। सर क्या आश्वासन दिया, शादी का आश्वासन, झांसा देके? अब वो कहते हैं शादी का झांसा देगा ना, हमारे साथ में रेप किया गया। एक साथ पढ़ते थे सर जी? महिलाओं को झूठ बोलकर उन्हें जाल में फंसाना और फिर उनका शोषण करने का ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसी वारदातों पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रही है। यह खबर उन लोगों के लिए भी सीख है जो नौकरी के नाम पर झांसे में आ जाते हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनकड़ के साथ क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर लग जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों बदमाशों के दिलों में पुलिस का डर नहीं रहा। एक तरफ तो अपराधी अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और जब पीड़ित अपनी फरियाद लेकर कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। बदमाशों के बुलंद हौसले, बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को पीटा, मामूली विवाद पर घर में लगाई आग, पुलिस भी नहीं सुन रही फरियाद। बदमाशों के बुलंद होते हौसले के पीछे क्या कानून की लापरवाही है? प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चली है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बदमाशों के दिलों से पुलिस का डर लगातार निकलता जा रहा है और इसकी वजह है पुलिस प्रशासन की ओर से बरती जा रही लापरवाहियां। बदमाशों की दबंगई और पुलिस की लापरवाही का एक ऐसा ही मामला सामने आया है नारनौल से, जहां कुछ दबंगों ने एक माँ और बेटी की मामूली बात को लेकर जमकर पिटाई कर दी। क्या नाम है आपका? कौन से गांव की निवासी हो? क्या घटना हुई? पिटाई कर दी थी, मेरा घर नजर आती हो। तो पुलिस को शिकायत दी आपने? कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई थी। कितने बच्चे हैं आपके? जी 4 लड़की थी। मेरे तो बेटा नहीं है? पीड़िता के आंसू और करहाती आवाज ही बताने के लिए काफी है कि दबंगों ने इन पर किस कदर कहर ढाया है। पीड़ित महिलाएं नारनौल उपमंडल के गांव थाना की रहने वाली हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि मामूली रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने पहले तो महिला से बदतमीजी की और उसके बाद वो दबंग महिला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने माँ बेटी के साथ मारपीट की, महिला की चेन छीन ली और बुजुर्ग महिला की बेटी के कपड़े तक फाड़ दिए थे। इतना ही नहीं, उनके घर पर बने छप्पर में भी उन दबंगों ने आग लगा दी। जी हमारे घर पर घुस गए, बोले गाड़ उठा लो, हमारे मकानों की मार्केट खराब करती है, हम यहाँ के रास्ता निकलवाएंगे। वो ठीक है, कोई रास्ता नहीं है, अवैध रास्ता है। अगर सरकारी रास्ता है तो निपट करवा के, अब पैमाइश करवा के निकलवा लो, हम वहां से निकल जाएंगे। हमारे भाई नहीं, हम 4 बहन है,
बूढ़ा और हमारे माँ बाप है जी, और हमारे घर में घुस के हमारे को मार दिए और कपड़े फाड़ दिए, हमारे मेरी चैन भी छीन ले गए और हमारे गाँव घर में हाथ लगा दिए, हमारा पूरा सामान जला दिया जी। आपको बता दें कि जिस बुजुर्ग महिला के घर में इन दबंगों ने आग लगाई उसके सिर्फ 4 बेटियां ही हैं, महिला का एक भी बेटा नहीं है। फिर भी दबंगों ने मामूली रास्ते के विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला और उनकी बेटियों से बदतमीजी की, उनकी पिटाई कर दी। दबंगों की दबंग गई, कैमरे में भी कैद हो गई। आग वगैरह भी लगाई है जी, और रात को हमने पुलिस के पास भी फोन किए कई बार, 1:30 बजे तक वो हमें खूब गालियां दी है हम हॉस्पिटल। कितने बजे की ये घटना है जी? 10:30-11 बजे की घटना है। हमने सरपंच के पास भी फोन किया, उसने कोई डाउट नहीं उठाया हमारे बारे में जी, तो कुछ होगा वो होगा। तो पुलिस आई और मुकदमा दर्ज किया है? नहीं हाँ जी किया। मुकदमा दर्ज कर दिया? हाँ जी किया था। नहीं नहीं पुलिस आई थी आपके पास? हाँ जी, एक पुलिस वाला आया था यहाँ पे, वो FIR लिखवा के ले गया था। FIR लिखवाए हैं, बयान लिखवाए हैं जी? वो पता नहीं, एक कोरे कागज पर लिखवा के बयान ही लेके गया है। पीड़ित महिलाओं ने इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कानून का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो उनकी पुकार को अनसुना कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर उन दबंगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की। अब इसे पुलिस की लापरवाही करें या फिर दबंगों की गुंडागर्दी कहें, जिसके चलते अभी तक इस मामले में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। वहीं जब इस मामले को लेकर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। एक ओर तो प्रदेश सरकार महिला की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कानून के रखवाले ही लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि साहब, जब कानून के रखवालों के दर पर ही सुनवाई नहीं की जा रही तो फिर पीड़िता अपना दुखड़ा किसके सामने रोएंगी और फिर किससे इंसाफ की गुहार लगाएंगी? क्राइम डेस्क के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, उसे हवस का शिकार बनाया गया, और जिसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया उससे ज्यादा भरोसा शायद वो किसी पर भी नहीं करती होगी। आखिर कौन है वो शख्स जिसने एक मासूम को अपना शिकार बनाया? इस पूरी वारदात को जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। मानवता फिर हुई शर्मसार, 9 साल की मासूम के साथ पहले किया दुष्कर्म, फिर खिलाया नशीला पदार्थ। एक पिता ने ही किया बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित। कहते हैं बेटियां अपने पापा की लाडली होती हैं। बेटियों के लिए उसका पिता किसी आइडल से कम नहीं होता। बेटियां तो ये तक चाहती हैं कि जब कभी उनकी शादी हो तो उनका पति भी उनके पिता के जैसे ही हो। लेकिन रोहतक में जो कुछ हुआ उसके बाद बेटियां पति में पिता की छवि तो दूर की बात है, वो कहेंगी कि अगर पिता ऐसा होता है तो ऐसे पिता के घर कभी कोई बेटी ही पैदा ना हो। आपके जहन में अब एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रोहतक में ऐसा क्या हुआ कि बाप बेटे के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। हम आपको इस पूरी वारदात से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपना दिल थाम कर बैठना होगा, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं हो सकता है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। दरअसल रोहतक शहर में एक पिता ने अपनी 9 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। अभी देश हैदराबाद में युवती के साथ हुई दर्दनाक घटना से उबरा भी नहीं था कि रोहतक से सामने आई इस खबर ने सभी को दहला कर रख दिया। एक बाप ने अपनी 9 साल की बेटी से पहले तो दुष्कर्म किया और फिर बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गया। जब बच्ची की माँ को इस बात का पता चला तो उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। तकरीबन 12:30 बजे के लिए टेलीफोन आया था हमारे पास, इस लड़की की माँ है कि मेरी बच्ची जो है इसके फादर ने इसके साथ कुछ गलत काम कर दिया। तब हम वहाँ पे हमारे तुरंत मैंने अपना लोकल पुलिस को वहाँ भेजा, उनसे बातचीत करी, बातचीत करके फिर इनको यहाँ दाखिल करवाया हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले हैं सर? कितने पीछे से बिहार के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ पे शास्त्री नगर पड़ता है, उसमें रहते हैं।
हाँ ये बच्ची पढ़ती थी और इसके दो भाई बहन छोटे और तीन भाई बहन छोटे हो रहे और फिलहाल इनका अपने बाप को फादर से कोई डिस्प्यूट था माँ बाप का आपस में उसको लेके अलग रह रहे थे। बाकी अब आगे पता लगे तब तीसरे दौरान क्या बात सामने आती देखते हैं। लेकिन प्राथमिक जांच में पिताजी ही हाँ ये क्लियर बात है पुष्टि हो चुकी है इसके फादर ने ही किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां 19 घंटे जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद वो मासूम मौत से हार गई। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां ने बयान दर्ज कराया है कि वो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और बीते कई सालों से रोहतक में परिवार के साथ रह रही है। महिला ने बताया कि करीब 7 महीने से उसका अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा है। महिला का पति उससे और बच्चों से मारपीट किया करता था, इसी के चलते वो अलग रह रही थी। महिला ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं जिन्हें उसने अपने पास रख लिया, लेकिन रात के समय पति बड़ी बेटी और छोटे बेटे को अपने साथ कमरे पर ले जाता था और सुबह दोनों बच्चों को वापस उन्हें माँ के पास छोड़ देता था। महिला ने बताया जब उसने बेटी के कपड़ों पर खून के निशान देखे तो उसे पूछताछ की, जिसमें बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया। साथ ही बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसे कुछ खिलाया भी था। महिला ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376, 328 और 4 और 6 पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज कर दिया इसके फादर के खिलाफ। इसका फादर फिलहाल मौके से फरार हो गया था, उसको हम ट्रेस कर रहे हैं और जस्ट अभी हमें शाम को 15 मिनट पहले ये पता लगा कि इस लड़की की जो है मौत हो गई है। कारणों का हम जाँच पता कर रहे हैं किन कारणों से हुई है, बाकी जैसा होगा। रोहतक में हुई इस वारदात को जिस किसी ने भी सुना वो दंग रह गया। इस वारदात ने महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठ रहे हैं कि बेटियां घर में अपनों से ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बेटियां अब कहां सुरक्षित महसूस करेंगी। 9 साल की मासूम जिसे अभी तक रेप के बारे में पता भी नहीं होगा, उसे उसके ही पिता ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। वो मासूम तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छूट गई है। क्राइम डेस्क के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा का गुरुग्राम भले ही साइबर सिटी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इस साइबर सिटी में बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस की मुस्कान योजना और मिसिंग सेल के तहत कई रोते बिलखते परिवारों को उनके बच्चे जरूर मिले, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आंखें अपने लापता बच्चों की आस में रास्ता ताक रही हैं। आप हमारी इस खबर को देखेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों में बच्चों के अपहरण और गुमशुदगी के जितने मामले सामने आए वो दंग कर देने वाले हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार गायब होते मासूम पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। हाल ही में गुरुग्राम में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रिश्तों की डोर में फंसाकर या फिर ट्रॉफी का लालच देकर मासूमों की अस्मिता के साथ सौदा हुआ है। ऐसे मामलों में गुरुग्राम पुलिस के मिसिंग सेल के बावजूद आज भी सैकड़ों मासूमों की गुमशुदगी और अपहरण के मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ कोई खास सुराग नहीं लग पाया है। जानकारों की माने तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे से जुड़े लोगों की सेटिंग दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा से लेकर साउथ इंडिया के कई शहरों में है। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को बेचा जाता है। वहां बच्चों को बड़े लोगों के घरों में काम के लिए लगाया जाता है। इतना ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान में सबसे ज्यादा लड़कियों की सप्लाई होती है। वहाँ कई ऐसे कस्बे और गांव हैं जहाँ लड़कियों को शादी करने के लिए बेचा जाता है और जिन्हें खास तौर पर मोल की बहू कहा जाता है। 10 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों के गायब होने के पीछे ये भी माना जाता है कि बड़े पैमाने पर भीख मंगवाने वाले गैंग्स भी एक्टिव हैं। सिटी में आधा दर्जन से ज्यादा गैंग्स अपना जाल बिछाए हुए हैं। यहाँ एक्टिव गैंग के मेंबर्स बच्चों को चोरी करने के बावजूद दूसरे शहरों में सक्रिय गैंग को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह दूसरे शहरों से चोरी किए गए बच्चों को गुरुग्राम लाकर भीख मांगने वाले सक्रिय गैंग को बेच दिया जाता है। बच्ची 3 साल की थी, अब तो करीब मान चले कि 6 साल के आसपास हो गई होगी बच्ची अब तो। अच्छा, 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए सर। क्या कुछ हुआ था उस दिन, एक बार बताएंगे बच्ची कैसे सदर बाजार पहुंची? सदर बाजार में वाइफ हमारी थी और सिस्टर, दोनों आए थे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करते समय में कोई सामान ये ले रहे थे, वो सामान को इंटरचेंज करते में
इतने देर में बच्चा बोले हो गायब हुआ है। तब तक हमारे पास ही फोन आया, हमारे दोस्त भी थे मित्र थे जो सबको फोन किया, हमने भी थाने पर भी गए, बट FIR दर्ज हुआ, काफी लोगों ने कोशिश भी करी बट रिजल्ट जीरो निकला। अभी आज तक तो 3 साल हो गए, 3 साल में भी रिजल्ट जीरो ही है। तो क्या पुलिस अब आपसे कांटेक्ट करती है किसी चीज को लेकर? नहीं, अभी तो सर कोई कांटेक्ट नहीं करती पुलिस, बस वही 1 साल 1.5 साल जो बात हुई थी, करीब 1.5 साल से कोई बात ऐसी है नहीं। जो लेके गया था उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ कैप्चर हुआ था कहीं सीसीटीवी? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा वो कैप्चर हुआ है और कुछ वीडियो क्लिप भी है, थाने पे भी है वो, और कुछ हमने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी हमने डाला हुआ है। गुरुग्राम पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि गुरुग्राम में मासूम सुरक्षित नहीं है। 2012 से अभी तक 1428 लड़के लड़कियां गुमशुदगी या फिर अपहरण जैसी वारदातों का शिकार हुए हैं, जिनमें से 938 लड़कियां गुमशुदा हुई हैं या फिर उनका अपहरण कर लिया गया है, जबकि इसमें से पुलिस ने 518 लड़कियों को सकुशल बरामद भी किया है, लेकिन 420 लड़कियों का अभी तक कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस को नहीं मिला या फिर चिल्ड्रन मिसिंग सेल को नहीं मिला है, जबकि नाबालिग लड़कों की स्थिति भी साइबर सिटी में गुमशुदगी या फिर अपहरण की ज्यादा सुधरी नहीं है। इसमें भी बीते 7 साल यानी 2012 से 2019 तक 489 नाबालिग लड़के गुमशुदा हुए या फिर उनका अपहरण कर लिया गया, जिनमें से 235 को गुरुग्राम पुलिस ने सकुशल बरामद किया, लेकिन इनमें भी तकरीबन 254 लड़कों का कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस नहीं लगा पाई। यानी आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 साल में तकरीबन 674 लड़के लड़कियां अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई सुराग तक प्रदेश की सर्वाधिक हाईटेक हो चली गुरुग्राम पुलिस के पास हो। 2019 में तकरीबन 139 लड़कियां और 44 लड़के साइबर सिटी से अगवा हुए या फिर गुमशुदा हुए, और इनमें से सिर्फ 44 लड़कियों को बरामद किया गया, यानी 95 लड़कियां अभी भी बरामद करनी बाकी है। और बीते साल 2018 में भी तकरीबन 182 लड़के लड़कियां यहां से गुमशुदा हुए, यानी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नोनिहाल अभी भी अगवा या लगातार गुमशुदगी के शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो समय समय पर ऑपरेशन चलाते रहते हैं और ये ऑपरेशन मुस्कान में भी बड़ा सराहनीय कार्य किया गया था पुलिस के द्वारा, और उसको जल्द ही दोबारा से भी ये स्टेट लेवल पे शुरू किया जाएगा, और जब भी शुरू होगा ये उसमें फिर भी उसमें पूरे भरसक प्रयास किए जाएंगे। अभी तक इस तरह के ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए मामले ज़्यादा सामने नहीं आए हैं। ऑलमोस्ट कुछ बच्चे नाराज़ होके घर से चले जाते हैं, कुछ को कोई बहका के लेके चले जाते हैं, और इस तरह के मामले ही ज़्यादा आते हैं। खासकर बच्चियों में ये है कि भाई उनको बेला फुजला के कोई उनका मेल फ्रेंड जो है वो लेके चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिसमें समाज में जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं गुड़गांव निवासियों से ये अनुरोध भी करूँगा कि वो अपने बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करते रहें और उनकी थोड़ी सी केयर भी करें इस मामले में भी, हमारे बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, कोई किसी के बहकावे मारने की संभावना तो नहीं है। अपने बच्चे पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है। हरियाणा में गायब हो रहे मासूमों को उनके माता पिता से मिलवाने के लिए पुलिस ने मुस्कान कार्यक्रम भी चलाया था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। शहरों में बच्चों को गायब करने वाले गैंग्स इनके अंगों की तस्करी में भी शामिल रहते हैं। ये लोग बच्चों को बाहर दूसरे राज्यों में या फिर विदेश ले जाते हैं, जहां ऑपरेशन करके इनके अंगों को भी निकाल लिया जाता है। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों को बारीकी से जांच करने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि गायब होते मासूम और बिलखते परिजनों के दर्द पर पुलिस सुरक्षा का मरहम कब तक लगाती है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ आज षड्यंत्र में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।